देश जब से आजाद हुआ कई अपराधियों को भिन्न भिन्न अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई। देश में प्रथम फांसी गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दी गई थी। इसके बाद और लगभग 50 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इन फांसियों में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो रहा धनंजय चक्रवर्ती, याकूब मेनन, अजमल कसाब और निर्भया के रेपिस्ट जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। ये सारे पुरुषों के नाम हैं जिन्हें भारी अपराध के लिए फांसी की सजा हुई थी, मगर आजाद भारत में पहली बार एक महिला को फांसी होने जा रही है जिसकी सजा खुद राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दी है। कौन है वो महिला और आखिर में उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस वजह से राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया, जानेंगे आज के वीडियो में। मथुरा जेल में महिला को फांसी देने की तैयारी जेल प्रशासन ने शुरू कर दी है। मथुरा जेल देश का एकमात्र जेल है जहां महिलाओं को फांसी दिया जा सकता है। यह फांसी अमरोहा यूपी की रहने वाली एक महिला सबरम और उसके प्रेमी सलीम को साथ दी जाएगी, मगर सलीम को किस जेल में फांसी दी जाएगी ये अभी क्लियर नहीं है। निर्भया के रेपिस्ट को फांसी देने वाले पवन जल्लाद इस बार इन दोनों को फांसी देंगे। सर्वोच्च न्यायालय से पूर्ण विचार याचिका खारिज होने के बाद अब राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जिस रस्सी से फांसी दी जाती है उसे बक्सर जेल में तैयार किया जाता है। अब जानते हैं आखिर सबनम को फांसी की सजा क्यों हुई। दरअसल 2008 में 14 से 15 अप्रैल की रात को सबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता मास्टर शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम और फुफेरी बहन रबिया का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसने अपने छोटे से भतीजे अर्श का भी गला घोटकर मार दिया था क्योंकि यह लोग उसके प्यार के राह में रुकावट डाल रहे थे। सबनम ने हत्या करने के बाद तेजी से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसने पुलिस को बताया कि घर में लुटेरे घुसे जिसने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी और वो बाथरूम में थी इसलिए बच गई। पहले पुलिस ने लूट के एंगल से जांच की लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर ध्यान दिया तो कई सवाल उसके सामने आए। बढ़ने वालों ने खुद को बचाने का कोशिश नहीं किया था, लूटपाट की कोई सबूत नहीं मिले थे। इसी बीच सबसे चौंकाने वाला रिपोर्ट पोस्टमार्टम का रिपोर्ट था जिसके मुताबिक मृतकों को मारने से पहले कोई नशीली दवा खिलाकर उन्हें बेहोश किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को सबनम पर शक हुआ। कॉल डिटेल निकालने पर सबनम ने एक ही नंबर पे कत्ल वाली रात को कई बार कॉल की थी। सबनम शादीशुदा नहीं थी मगर गर्भवती थी। इस बात का पता पुलिस को चलने पर पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, तब जाके सबनम ने अपना जुर्म कबूल लिया। जिस कुल्हाड़ी से हत्या किया गया था वो सलीम के पास से मिला था। खून से सने कपड़े मिले थे, 3 सिम कार्ड मिले थे जिस पे अलग अलग समय पर दोनों को वारदात को अंजाम देने के बाद किया गया था। यह केस कोर्ट में 2 साल चली थी जिसके बाद 15 जुलाई 2010 में जज S.A. हुसैन ने 29 लोगों की गवाही सुनने के बाद सिर्फ 29 सेकंड में ही सबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दिया था। प्यार त्याग स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है, मगर सबनम और सलीम के इस हरकत ने प्यार के साथ परिवार और इंसानियत का भी कत्ल कर दिया। इसलिए जज S.A. हुसैन ने दोनों को फांसी की सजा सुनाया, जो मेरे नज़र में बिल्कुल सही था। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।